उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद है जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। नमस्कार साथियों, मैं प्रणव पार्षद आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उत्कर्ष क्लासेस के एसएससी चैनल पे। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ चुका होगा और जो प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं उनके मन में खूब सारे प्रश्न होंगे और उनमें से एक प्रश्न जो सबसे ज्यादा रहता है पेपर देने से पहले ही आ जाता है कि इस बार कितने नंबर लेके आने हैं कि एक अच्छा पद मिल जाए। जैसे कि आप ये भी जानते होंगे जो बच्चे सीरियसली तैयारी कर रहे हैं कि एसएससी जीडी में कौन कौन सी पोस्ट होती है, हालांकि वो मैं आपको बताऊंगा किन पोस्ट को स्टूडेंट सबसे ज्यादा चाहते हैं और क्या वजह है कि उनकी कट ऑफ सबसे ज्यादा जाती है, तो वो आज हम सब यहाँ पे देखेंगे। प्लस मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि आप 80 प्रश्न जो हैं वो आप मात्र एक घंटे में कैसे कर सकते हैं, उसके पीछे आप क्या प्रैक्टिस करें, क्या लॉजिक लगाएं, किस प्रकार की तैयारी होनी चाहिए, वो मैं आज आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो समय को खराब ना करते हुए सीधे चलते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ। वैसे तो आप सभी लोग इस चीज़ से परिचित होंगे ही होंगे, पर फिर भी मैं आप लोगों को एक बार यहाँ जानकारी दे देता हूँ कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपका 5 सितंबर से शुरू होगा और आप इसको 14 अक्टूबर तक क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। आगे की अगर बात की जाए तो लास्ट डेट क्या होगी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की, मतलब आखिरी जो डेट है वो आपकी 14 अक्टूबर रखी गई है। प्रयास आप यही रखिएगा कि इससे पहले पहले आप फॉर्म जरूर भर लें, क्योंकि आप एंड तक जब वेट करोगे तो फिर वही चीज़ होती है कि आपकी वेबसाइट हैंग हो जाती है या आप अलग अलग टाइप की चीज़ें देखते हैं, तो वो चीज़ आपकी नहीं हो, उसके लिए आप पहले से ही फॉर्म भर लें। फिर इसमें दिया हुआ है कि लास्ट डेट क्या है फी पेमेंट का, तो वो आपका 15 अक्टूबर है, रात के 11 बजे तक आप फीस भर सकते हैं। अब इसमें एक तारीख भी दी गई है इनफैक्ट कि अगर कुछ बच्चे हैं जिनसे फॉर्म भरते में गलती हो गई है तो उनको मौका दिया जाएगा, वो अपने फॉर्म को करेक्ट भी कर सकते हैं। उसके लिए तारीख क्या दी गई है, 5 नवंबर से लेकर 7 नवंबर तक रात के 11 बजे तक आपके फॉर्म में अगर कोई भी गलती हुई है तो आप उसे भर सकते हैं। डेट आपका इसमें दिया है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो आपका जनवरी फरवरी 2025 में प्रस्तावित है, और ये आपको पता ही होगा, नाम से ही पता चल रहा है कि इस जीडी जो वैकेंसी है इसको पेपर को कराएगा कौन, एसएससी कराएगा। और एसएससी लास्ट के 1-1.5 साल में बड़े ही बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। मैक्सिमम जो डेट दी जाती है कि नोटिफिकेशन आएगा इस टाइम पे, वो उस हिसाब से नोटिफिकेशन भी निकाल रहे हैं और एग्जाम भी उसी हिसाब से करा रहे हैं, तो आप ये मान के चलना, क्योंकि जब जब दिसंबर आने वाली होगी तो लोगों के मन में सबसे पहले स्टूडेंट्स के मन में ये प्रश्न आएगा कि भाई क्या पेपर की डेट आगे बढ़ सकती है, तो ये आप बिल्कुल हटा के चलें, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको ये मान के चलना है कि जनवरी से फरवरी के बीच में ही आपका क्या है, आपका यहाँ पे पेपर होने वाला है। अब आगे की अगर बात की जाए तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक प्रॉपर आइडिया दे देता हूँ कि कितनी कितनी वैकेंसी आई है यहाँ पे, वो उसका थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे जानकारी दे देता हूँ। जैसे कि आपकी जो बीएसएफ की वैकेंसी है वो आपकी टोटल कितनी आई है, वो आपकी 15,000 आई है। वहीं अगर बात की जाए सीआईएसएफ की तो वो 7,000 से ज़्यादा वैकेंसी है। सीआरपीएफ की बात करें तो वो 11,500 के आसपास है। एसएसबी की बात करें तो वो 819 वैकेंसी। आईटीबीपी की बात करें तो 3,000 से ज़्यादा वैकेंसी है। वहीं अगर बात करें असम राइफल्स की तो वो 1,248 वैकेंसी है, और एसएसएफ में 35 वैकेंसी और एनसीबी में आपको 22 वैकेंसी देखने को मिलेंगी। कुल मिला के जिनकी संख्या है 39,481, ये आपकी टोटल वैकेंसी इस बार आई है। प्लस इसमें मेल और फीमेल के लिए वो अलग से दिया गया है, तो आप उसे अच्छे से देख लीजिएगा कि एससी एसटी की कितनी है, ओबीसी की, यूआर की, इन सब की। ठीक, अब कहानी जानते हैं आगे की कि पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है। जो बच्चे सीरियसली तैयारी कर रहे होंगे वो इस चीज़ से परिचित होंगे ही, फिर भी मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ। इसमें साफ साफ लिखा है कि आपके 80 क्वेश्चंस होंगे जिसमें आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग जो होगी, सॉरी एक मार्क जो है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, प्लस आपकी नेगेटिव कितनी होगी वो 1/8 होगी। अब इसमें 4 भागों में पेपर विभाजित होगा, रीजनिंग, जीके, मैथ्स और इंग्लिश या फिर हिंदी, इसमें से आप कोई भी एक दे सकते हो जो आपको ठीक लगे। सब में आपके 20-20 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, यानी कि कुल मिला के आपके 80 क्वेश्चन है और आपको 160 नंबर के वो आपके मार्क्स मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात जो आपको टाइम पे ध्यान देना है, आपको 60 मिनट में 80 क्वेश्चन करने हैं। मेन फंडा तो यही है, क्या आप एसएससी जीडी का कोई क्वेश्चन कर नहीं सकते, बिल्कुल कर सकते,
सारा का सारा खेल है समय का कि आपको 60 मिनट में 80 क्वेश्चन करने ही करने, वो भी मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार आप कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को कुछ कट ऑफ बताता हूं। आपको अभी जो सामने कट ऑफ दिख रही है वो एनसीबी की दिख रही है, जो पोस्ट मैंने अभी आपको बताई थी एनसीबी उसकी 2023 की मैं आपको कट ऑफ बता देता हूं। यूआर की 147, ईडब्ल्यूएस 145, एससी 137, एसटी 132, एक्स सर्विसमैन 103 और ओबीसी की 146। ये आखिर में आपका ये भी दिया हुआ है कि जो डेट ऑफ बर्थ क्या थी उस स्टूडेंट की। कभी कभी क्या होता है, कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो एक ही नंबर पे होते हैं, फिर उनकी डेट ऑफ बर्थ देखी जाती है, तो जो आखिरी स्टूडेंट सेलेक्ट किया गया है उससे वो आपकी चीज यहाँ पे दी गई है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये आपका 1985 है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं जो सबसे ज्यादा पसंदीदा पोस्ट होती है स्टूडेंट्स की, एसएसएफ। अब एसएसएफ को सबसे ज्यादा स्टूडेंट पसंद इसलिए करते हैं क्योंकि एसएसएफ में अगर आप लग जाओगे तो आप जीवन भर अपनी नौकरी कहां करोगे, दिल्ली में, जब तक आप रिटायर नहीं हो जाते। प्लस आपको जिम्मेदारी क्या दी जाती है कि जो वीआईपीज होते हैं उनकी जो सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है उसमें आपका जिम्मेदारी होती है, इसीलिए एसएसएफ की पोस्ट की कट ऑफ सबसे ज्यादा हाई गई है। मैं अगर बात करूं 2023 की मेल कैंडिडेट की, यूआर की कट ऑफ 149 थी, ईडब्ल्यूएस 148, एससी 139, एसटी 134, एक्स सर्विसमैन 109 और ओबीसी आपकी 148 के आसपास है। ये आपका दिया गया है। ये पार्ट ए पार्ट भी सब चीज़ें हैं, फिजिकल वगैरह मिला के, वो इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। आप फाइनल कट ऑफ पर जरूर ध्यान रखिएगा। अब वही मैं बात करूं फीमेल कैंडिडेट की, एसएसएफ में क्या कट ऑफ गई है जो फीमेल है, इसमें यूआर की 142, ईडब्ल्यूएस 140, एससी 129, एसटी 126 और ओबीसी आपका क्या रहेगा 140, इसमें आपका दिया गया है। अब मैं आगे की अगर बात करूं 2024 वाले की, इसमें कट ऑफ ने और ज्यादा झंडे गाड़ दिए। पहले आपको 2023 बताया था, अब मैं आपको 2024 वाला बता रहा हूं मेल के लिए जो कट ऑफ थी एसएसएफ के लिए। यूआर 153, एससी 148, एसटी 143, ईडब्ल्यूएस 151, ओबीसी 152 और एक्स सर्विसमैन आपका 94। तो आप देख सकते हैं कि एसएसएफ के चाहने वाले कितने हैं कि कट ऑफ 160 में से 153 नंबर जा रही है। वही मैं अगर महिलाओं की बात करूं 2024 में फीमेल में एसएसएफ के लिए, यूआर 146, एससी 138, एसटी 130, ईडब्ल्यूएस 143, ओबीसी 144 और एक्स सर्विसमैन आपकी 62। क्लियर हो गई ये बात। अब मैं आगे की बात करके आपको बता देता हूं कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते तो एक बार फिर से जान लीजिए। मैंने आपकी पहले भी डेट लिखी हुई थी कि एसएससी जीडी इस बार जनवरी फरवरी 2025 में आपकी प्रस्तावित है, और रिलैक्सेशन आप जानते ही होंगे कि हर एग्जाम में यही होता है, ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन, एससी एसटी का आपका 5 साल का, और इसमें 18 से 23 साल के स्टूडेंट्स फॉर्म भर सकते हैं। योग्यता जो मांगी जाती है वो आपकी 10th पास मांगी जाती है। कितनी मांगी जाती है? 10th पास। सिलेक्शन प्रोसेस में आप लोगों को बता देता हूं क्या है। सबसे पहले आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देंगे, यानी कि जो रिटन होगा, जो मैंने आपको बताया था अभी 80 क्वेश्चन होंगे 160 नंबर के, कंप्यूटर पर टेस्ट होगा। फिर आपका फिजिकल टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, और अंत में आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जैसे कि आपका 2025 का जो है वो आपका शायद आने भी वाला है, 2024 में जो वैकेंसी निकली थी उसका रिटन तो हो ही गया है, अब उसकी फिजिकल की बात चल रही है। आगे की बात करूं अगर मैं वैकेंसी की, तो 2021 में 25,000 वैकेंसी थी, 22 में 50,000, 23 में 46,000, 24 में जो अभी नोटिफिकेशन आया है वो आपकी ऑलरेडी 39,000 से ज़्यादा आपकी वैकेंसी, आप लोग जानते ही हैं कि इतनी आई है, यानी कि हम कह सकते हैं करीबन 40,000। तो हम भविष्य में ये मान सकते हैं कि ये वैकेंसी आपकी बढ़ जाएगी, और जैसी आपकी 2023 में भी देखने को मिली थी। ये है वो सारी की सारी पोस्ट जिसके लिए आप एसएससी जीडी में फॉर्म भरते हो। ये पोस्ट कोड दिया गया है ABCDEFGHEFS तक दिया गया है, और आपका BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, फिर आपका CRPF होता है जिसे आप सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कहते हैं, फिर SSB जिसे सशस्त्र सीमा बल कहा जाता है, ITBP इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, क्या आप जीवन भर चाइना के बॉर्डर की तरफ आप सेवा देंगे, असम राइफल्स, और SSF होता है सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्स। सेक्रेटेरिएट आप जानते हैं दिल्ली में, और इसीलिए सबसे फेमस पोस्ट मानी जाती है क्योंकि आप ज़्यादातर यहीं पे आप अपनी पूरी, जब तक रिटायर नहीं हो जाते आप यहाँ पे अपनी सेवा प्रदान करते हैं। अब मैं आपको जो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट होते हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चे फॉर्म भरते हैं
उनका मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दे देता हूँ यहाँ पे कि कौन कौन सी जगह में कैसे कैसे आपको कट ऑफ देखने को मिलती है, जिसमें आपको मेन फोकस रखना है कहाँ पे, तीन चीज़ों पे, एक इस वाले पे, एक इस वाले पे और एक इस वाले पे। अब ये क्या चीज़ है, यहाँ पे आपको कहीं कहीं पे बी लिखाई देगा, बी लिखा होगा, फिर कहीं पे जी लिखा होगा, जी। तो ये जी जी और बी बी क्या है, ये बी है ऐसे क्षेत्र जहाँ पर राजस्थान बॉर्डर बनाता है, बॉर्डर बनता है राजस्थान का पाकिस्तान से, तो उस वाले एरिया में EWS, OBC, SC, ST, UR सबकी कट ऑफ अलग गई। और जो आपका जनरल एरिया है जहां पे राजस्थान हम कह सकते हैं आपका क्या है, बॉर्डर नहीं बनाता, तो वहां पे आपकी कट ऑफ अलग है। जैसे मैं आपको बताऊं कि UR की अगर मैं बात करूं तो UR की जो कट ऑफ है वो 134 गई है जनरल एरिया में राजस्थान के। वहीं अगर मैं बॉर्डर एरिया की बात करूं तो 17 नंबर कम मान लो, 117 के आसपास कट ऑफ गई है। तो बॉर्डर एरिया में आपको कट ऑफ हमेशा कमी देखने को मिलेगी। जैसे मैं बात करूं जनरल एरिया में, ओबीसी में कट ऑफ 134 गई है, वहीं अगर मैं बॉर्डर एरिया की बात करूं तो कट ऑफ गई है आपकी 115। तो आप देख सकते हैं आराम से कि बॉर्डर एरिया में आपको कट ऑफ जो है वो हमेशा कम देखने को मिलेगी। वहीं अगर बात की जाए एससी की, बॉर्डर एरिया में कट ऑफ 104 है, वहीं अगर हम बात करें जनरल एरिया में तो आपको 119 मिलेगी, और ऐसी आपको बाकी भी देखने को मिल सकती है। वहीं अगर मैं बात करूं एक सबसे बड़ा राज्य जहां पर से सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं, वो है आपका उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश में ये जी मैंने आपको बताया था और बी, तो बी आपका बॉर्डर एरिया है और जी आपका जनरलाइज एरिया यानी कि जो नॉर्मल एरिया होता है। अगर मैं बॉर्डर एरिया की बात करूं तो यूपी आप जानते ही हैं बॉर्डर बनाता है अपना नेपाल वगैरह इस वाले क्षेत्र से, ठीक। तो बॉर्डर एरिया में आपको यूआर की कट ऑफ 116 देखने को मिल रही है जनरल की, वहीं ये कट ऑफ जनरल एरिया में 136 के आसपास क्रॉस कर जाती है, 136.9 यानी कि हम 137 कह सकते हैं। वहीं अगर बात करें बॉर्डर एरिया में ओबीसी की कट ऑफ 111 है और वहीं जनरल एरिया में ये भी आपकी 136 के आसपास है। तो आप देख सकते हैं कि जनरल एरिया और जो बॉर्डर एरिया उसमें कट ऑफ का बहुत ज्यादा आपको अंतर देखने को मिलता है। ऐसे ही आप अपना एससी एसटी वाले देख सकते हैं, एसटी वालों की कट ऑफ जनरल एरिया में 117 है, यहां पे आपके बॉर्डर एरिया में शायद उनकी वैकेंसी थी नहीं तो शायद यहां पे ये मेंशन नहीं है। वहीं एससी की अगर बात की जाए तो इसमें बॉर्डर एरिया में कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी कहां, 96 के आसपास, जो जनरल एरिया में 127 पे क्रॉस कर जाती है। तो ये तो आपको मान के चलना पड़ेगा कि जहां जहां बॉर्डर एरिया है वहां पे आपको कट ऑफ कम देखने को मिलेगी, जनरलाइज एरिया में आपको नॉर्मल एरिया में ज्यादा देखने को मिलती है। अब ये है झारखंड, अब ये जी जी तो हमने पढ़ लिया था जनरल एरिया, अब ये एनएन क्या है, ये एन वो एरिया है जो नक्सल प्रभावित एरिया है, वहां पे जहां पे आपको नक्सल ही देखने को मिलते हैं, नक्सलाइट्स। तो वहां पे आप कट ऑफ में काफी अंतर देख सकते हैं कि नक्सलाइड एरिया झारखंड में यूआर की कट ऑफ 108 है, वहीं आप जनरल वाले में जाते हो तो आपको ये कितनी देखने को मिलती है, ये आपको 107 देखने को मिलेगी। तो इसमें कुछ खास अंतर आपको देखने को यहां पे मिल नहीं रहा है झारखंड वाले क्षेत्र में। वहीं अगर बात करें ओबीसी की, जनरलाइज वाले एरिया में कट ऑफ 108 है, वहीं अगर मैं नक्सलाइट वाले की बात करूं तो 109 में। तो हम कह सकते हैं कि झारखंड में तो ज्यादा अंतर आपको देखने को मिलता नहीं है, ये मोर और लेस आपका एक जैसा ही है, कुछ बहुत ज्यादा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा नहीं। एक कैटेगरी को और उठा लेते हैं, एससी की कट ऑफ जनरलाइज एरिया में 84 के आसपास, वहीं आपके नक्सलाइट एरिया में 85 के आसपास। तो हम कह नहीं सकते कि इसमें कोई बहुत ज्यादा खास अंतर है, पर जब आप पहुंचते हो छत्तीसगढ़ में तो वहां पे आपको थोड़ा सा अंतर देखने को मिल सकता है। जैसे छत्तीसगढ़ है ये सब आपके जीजी वाले पोर्शन है जनरलाइज एरिया, और जो एन वाला है वो वही सब एरिया जहां पे आपको नक्सलाइट्स देखने को मिलते हैं। तो जब आप इसमें देखते हो कि यूआर की कट ऑफ जो है जनरल एरिया में वो आपकी 103 है, जैसे ही आप नक्सलाइट एरिया में जाते हो आप देख सकते हो 20 नंबर का डिफरेंस आपको दिख रहा है 83 में नक्सलाइट वाले एरिया में, क्योंकि आप जानते हैं जीडी की कट ऑफ आपकी स्टेट वाइज भी होती है, तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूं। वहीं अगर बात करें ओबीसी की कट ऑफ छत्तीसगढ़ में जनरलाइज वाले में 122 है जो नॉर्मल एरिया है, वहीं अगर मैं नक्सलाइट एरिया की बात करूं तो आपको 103 देखने को मिलेगी। तो हम कह सकते हैं मोर और लेस यहां पे 20-20 नंबर का डिफरेंस आपको एटमोस्ट हम कह सकते हैं देखने का मिल रहा है। एसटी की कट ऑफ 89 है, वहीं नक्सलाइट एरिया में आप जाते हो तो ये 80 के आसपास पहुंच जाती है। तो ये छत्तीसगढ़ में आपको काफी डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं एमपी की, तो एमपी में भी कुछ जनरलाइज्ड एरिया है और कुछ आपको नक्सलाइड एरिया, तो यहां पे भी एक बार आप देख लेना, क्योंकि मैं आपको कुछ ही स्टेट्स का बता रहा हूं जहां पे से स्टूडेंट्स ज्यादा फॉर्म भरते हैं। मैं अगर यहां पे यूआर की बात करूं
नॉर्मल एरिया में तो 133 कट ऑफ है, वहीं अगर मैं नक्सलाइड एरिया की बात करूं तो 115 कट ऑफ है। एसटी की कट ऑफ 101 है नक्सलाइड एरिया में, नॉर्मल में आपको 107 मिलेगी। एसटी की कट ऑफ नॉर्मल एरिया में 125 है, नक्सलाइड एरिया में आपको 99 देखने को मिलेगी। ओबीसी की कट ऑफ 125 है नक्सलाइड एरिया में, और ये आपकी 136 के आसपास है जनरल एरिया में। अब बात करें अगर दिल्ली की, तो देखो दिल्ली में ना तो कोई बॉर्डर एरिया है, इसलिए आपको कहीं पे भी बीबी देखने को नहीं मिलेगा, और ना ही कोई नक्सलाइड एरिया है, तो ना कोई एन देखने को मिलेगा, यहाँ पे सिर्फ आपको जी देखने को मिलेगा जनरल। तो हम कह सकते हैं कि दिल्ली में जो आपकी यूआर की कट ऑफ 130 थी, एसटी की कट ऑफ 121, एससी की 130, ओबीसी की हम कह सकते हैं 128, और ईडब्ल्यूएस की 117 कट ऑफ थी। हरियाणा की बात करें तो उसमें भी कोई बॉर्डर एरिया नहीं है, किसी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर नहीं लगता है, तो जनरलाइज में हम कह सकते हैं यूआर की कट ऑफ 137, एससी की 128, ओबीसी की 135 और ईडब्ल्यूएस की आपको 136 देखने को मिलेगी। क्लियर हो गई बात। अब एक मैं आपको और बता देता हूं बिहार, क्योंकि बिहार से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं। इसमें आपको बॉर्डर एरिया भी मिलेगा क्योंकि बिहार बॉर्डर बनाता है, नक्सलाइड एरिया भी मिलेंगे क्योंकि यहां पे नक्सल भी है, और आपको जनरल एरिया भी यहां पे देखने को मिलेगा। तो आप इसमें एक बार देख लीजिए कि बिहार का जो है वो जनरल की कट ऑफ बॉर्डर एरिया में 106 है, वहीं जब नक्सलाइड एरिया में जाते हैं तो 112 है, और नॉर्मल वाले में जाते हैं तो आपको इसकी कट ऑफ देखने को मिलेगी 122। काफी अंतर देखने को मिल रहा है तीनों में, सबसे कम आपकी बॉर्डर एरिया में, फिर नक्सलाइड एरिया में, और सबसे हाई जो है वो जनरल एरिया में। ऐसी अगर मैं ओबीसी को लेकर चलूं तो ओबीसी जो बॉर्डर एरिया में है वो 99 कट ऑफ है, वहीं अगर बात की जाए ओबीसी की नक्सलाइड एरिया में तो 109, 10 नंबर का गैप, और फिर मैं ओबीसी की बात करूं जनरल में तो 119, यानी कि सब में 10-10 नंबर का गैप है। नक्सलाइड में, बॉर्डर एरिया में 99, नक्सलाइड एरिया में 109, और फिर जनरल एरिया में आपकी 119 की तरफ जा रही है। तो ये आप, मैंने आप लोगों को बताया था सबका कि कौन कौन से राज्य है जहां पे आपको ये कट ऑफ देखने को मिलती है। अब चर्चा जो करनी है मेरे को एक चीज कि आप 80 प्रश्न आप 60 मिनट में कैसे करेंगे, इसका मैं आप लोगों को एक टारगेट बता दे रहा हूं। जो टारगेट आपको याद रखना है वो टारगेट क्या है, आपको ये टारगेट रखना है कि 15 मिनट के अंदर, 60 मिनट में से 15 मिनट, इस 15 मिनट के अंदर एक तो मैं जीके जीएस निपटाऊंगा, प्लस इंग्लिश या हिंदी जो भी आप करना चाहते हैं वो आप खत्म करेंगे। ये क्योंकि देखो क्वेश्चंस कितने हैं, 20 हैं दोनों में। जीके जीएस का सिंपल सा फंडा है, आता है नहीं आता नहीं आता, आता है तो करेंगे, नहीं आता नहीं आएगा। एक एक लाइन के क्वेश्चन होते हैं, आप कर सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर आप थोड़ी स्पीड से भी करें तो आप 20 क्वेश्चन जो है वो मेरे ख्याल से मुश्किल से 5 मिनट में कर सकते हैं। क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होंगे, आता होगा तो क्लिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पे जाएंगे और अगले क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे। और हिंदी को आप प्रयास करिए करीबन 8-10 मिनट देने का। हिंदी में हो सकता है बीच में पैराग्राफ आ जाए, गद्यांश, तो वो आपको पढ़ना भी पड़ेगा। तो ये आपका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि हिंदी आप बचपन से पढ़ रहे हैं, तो हिंदी में आपको समय खराब नहीं करना है। मैं फिर भी एक आपको अपर लिमिट दे रहा हूं, 15 मिनट, इससे ज्यादा क्रॉस नहीं करना है। प्रयास आपका यही होना चाहिए कि मैं 15 मिनट के अंदर अंदर दोनों सेक्शन निपटा दूंगा। अब आपके पास बचते हैं कितने मिनट, अब आपके पास बचते हैं 45 मिनट। और इस 45 मिनट में आपको क्या करना है, एक तो आपको रीजनिंग निपटानी है और एक मैथ। आप जानते ही हैं कि सबसे ज्यादा आपका टाइम खाने वाले यही दो आपके सब्जेक्ट, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप इसको 15 मिनट से लेकर 12 मिनट पे ले जाएंगे तो यहां आपके पास 45 से लेकर 48 मिनट हो जाएंगे। और याद रखना बेटा, जीडी के पेपर में सारा खेल टाइम का ही है, 80 क्वेश्चन है, कोई भी कर लेगा, पर समय दिया है 60 मिनट, प्लस आपकी नेगेटिव मार्किंग अलग है। तो सारा खेल आपका इसी है कि आप कितनी जल्दी पेपर को कर पाओगे, क्योंकि जीके जीएस और इंग्लिश हिंदी में क्या है, आता है नहीं आता नहीं आता। रीजनिंग मैथ में कई बार ऐसे प्रश्न होते हैं कि जब आप एंड तक पहुंच जाते हो और आपको तब समझ में आता है कि मेरे से ये क्वेश्चन होगा नहीं, सॉल्व करते करते आपके कभी कभी आंसर नहीं निकलते। तो यही आपकी सबसे मेन टारगेट है। अब आपको इसके लिए करना क्या है, इसके लिए आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस किसकी, रीजनिंग की और मैथ की। और जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस के लिए आपको लगानी होगी टेस्ट सीरीज। आप टेस्ट सीरीज जैसे ही आपका कोर्स एक महीने का हो जाए, आप कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हो,
एक महीने का कोर्स हो जाए उसके बाद आप टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कर दीजिए। आपके भले ही 160 में से 16 नंबर आ रहे हो पर आपको टेस्ट सीरीज डेली एक लगानी है। इसी से आपकी प्रैक्टिस बनेगी और टेस्ट सीरीज लगाते वक्त बिल्कुल टेस्ट जैसा माहौल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिस्तर पर लेटे हुए हैं, कुर्सी पर बैठ गए, इस तरीके से नहीं, बिल्कुल कंप्यूटर के हॉल जैसा माहौल हो कि मुझे एक घंटे में ये प्रश्न करने। तो आप जितना रीजनिंग और मैथ का प्रैक्टिस कर पाओगे यही आपके लिए आगे फायदेमंद साबित होगा। ठीक, कोई भी आपको टेस्ट सीरीज लगे, अब जैसे आपने जीके जीएस में हिस्ट्री में आपने दिल्ली सल्तनत पढ़ लिया तो आप टेस्ट सीरीज खरीदिए जिसमें आपको दिल्ली सल्तनत के प्रश्न मिले और वो सारे के सारे प्रश्न आप दिल्ली सल्तनत के लगा दीजिए। जब आपने दिल्ली सल्तनत जो थ्योरी में पढ़ी होगी, मैं मानता हूं कि चलो आपने 10 चीजें 10 क्वेश्चन आए उसमें से 7 क्वेश्चन आपके थ्योरी में से आ गए जो आप पढ़े। अब जो 3 क्वेश्चन आपसे नहीं हुए हैं बकायदा उनका स्क्रीनशॉट लेके या उनका फोटो खींच के या फिर आप उनको किसी कॉपी में लिख के वो 3 क्वेश्चन अलग कर लें। बेटा टेस्ट सीरीज का मतलब ही यही होता है कि जो चीज़ नहीं आई उसे छोड़ा नहीं जाता, उसको आप बकायदा लिखते हैं एक जगह कि अगली बार पेपर में अगर दिल्ली सल्तनत से प्रश्न आ जाए तो ये 3 क्वेश्चन भी छूटने नहीं चाहिए। ठीक है, अब आप लोगों के सामने क्या है, अब आप लोगों के सामने एक चीज़ तो आप जानते ही होंगे कि मैंने आपको एक प्रॉपर आइडिया दे ही दिया है, यहाँ पे एक प्रॉपर आइडिया आपको यहाँ पे मैंने दे दिया है कि आप किस तरीके से तैयारी करेंगे। प्लस आपको इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो याद रखनी है वो ये है कि आपको थ्योरी तो पढ़नी ही पढ़नी है, प्लस थ्योरी के साथ साथ आपका जो है वो एक शेड्यूल प्रॉपर मेंटेन रहना चाहिए कि आपको कम से कम 8 घंटे की पढ़ाई करनी है। कहते हुए थोड़ा सा मजाक लग रहा होगा कि 8 घंटे पढ़वा रहे हो सर एसएससी जीडी के लिए, बेटा वैकेंसी बार बार नहीं मिलेंगी, 40,000 है तो एक वैकेंसी भी बहुत होती है लेने के लिए, इसलिए मेहनत करनी पड़ेगी। ये 8 घंटे का एक टारगेट मान के चले, मैं ये नहीं कह रहा शुरू से 8 घंटे पढ़ना है, आप शुरू में 4 घंटे पढ़ें फिर उसको बढ़ा के 5 ले जाएं, 6 ले जाएं, 7 ले जाएं, 8 ले जाएं, पहले दिन से किसी ने नहीं बोला 8 घंटे पढ़ने के लिए। क्लियर हो गई बात? अब जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि अब आपका जो युद्ध है, युद्ध की आपको तारीख पता है, जनवरी फरवरी में आपको युद्ध लड़ना है, ये जंग से कम नहीं है जो आप पेपर देने जा रहे हैं। तो आपके पास अभी ये मौका है कि आप जंग की इस तैयारी को शुरू कर दें, और आप जानते ही हैं जंग वही जीतते हैं जिनकी तैयारी प्रिपरेशन पहले से होती है। अब आप जंग का वेट करोगे और फिर लड़ोगे तो फिर हार निश्चित है। तो जब आपको पता है कि आपके पास अभी 4 से 5 महीने हैं जीडी का पेपर देने के लिए, उसकी तैयारी करने के लिए, तो आप उसकी तैयारी बिल्कुल आज से ही, जो सीरियस स्टूडेंट होंगे उन्होंने ऑलरेडी शुरू कर दी होगी, जिन्होंने अभी तक नहीं शुरू की है वो आज से ही शुरू कर दें, और एसएससी जीडी के मंजिल तक पहुंचने के लिए उत्कर्ष क्लासेस की तरफ से भी एक छोटा सा प्रयास है कि वो अपने स्टूडेंट्स के लिए जो रास्ता है, जो मार्ग है, वो मार्ग उनके लिए आसान बनाए, सुगम बनाए, और उसी में से एक प्रयास है सिलेक्शन बैच एसएससी जीडी का, जो आपका लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच होगा, जिसमें वर्तमान में आपको क्या दिया जा रहा है, वर्तमान में आपको जानते ही हैं कि उत्कर्ष क्लासेस के आपके 22 साल हो गए स्थापना हुए, तो उसी के उपलक्ष्य में उत्कर्ष क्लासेस अपने स्टूडेंट्स को 22% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहा है। यानी कि जो बैच की कीमत 2000 थी वो आपकी कितनी हो गई है 599। अगर आप ये वाला कोड लगाएंगे UC22 वाला तो आपको 599 पे भी 22% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिलेगा। क्लियर हो गई ये बात? बस आपको एक चीज क्या याद रखनी है कि आपका ये जो ऑफर है, ये ऑफर आपका सिर्फ और सिर्फ 16 सितंबर तक ही सीमित है, उसके बाद ये बैच की जो कीमत होगी वो बढ़ जाएगी। तो आप अपने दोस्तों को भी बताएं, जो भी आपके साथी तैयारी कर रहे हैं, कि एसएससी जीडी का सिलेक्शन बैच जिसमें उत्कर्ष क्लासेस का भरपूर प्रयास रहेगा, कि आपको टू द पॉइंट जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट आपकी जीके जीएस मैथ्स रीजनिंग है हिंदी, वो आपको इसमें पढ़ाया जाए। ठीक है, तो आप सब अपनी तैयारी करते रहिए, उत्कर्ष क्लासेस की तरफ से आपको खूब सारी शुभकामनाएं, खूब सारी ऑल द बेस्ट है कि आप भविष्य में जल्दी से जल्दी अपना सिलेक्शन प्राप्त करें और हमको अपना रिजल्ट भेजें, क्योंकि एक टीचर के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यही होती है जब उसके स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है। ठीक, तो ऐसे ही इवेंट को मैं यहाँ पे अभी समाप्त कर रहा हूँ, पर भविष्य में बहुत सारे और इवेंट आपके लिए लाता रहूँगा जो आपकी एसएससी जीडी की तैयारी में आपके लिए रास्ते थोड़ा सा और आसान बनाएगी। तो मिलते हैं आपसे जल्दी, ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहिए उत्कर्ष क्लासेस के एसएससी चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।